आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रार्थना के लिए। आज की इस रात्रि के अंतिम पलों में हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें जीवन के वरदान के लिए, अपनी सारी दुर्बलताओं के लिए प्रभु से माफी मांगें और अच्छी नींद की कामना करें, प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। कुरिंतों के पहले पत्र के 4:7 में लिखा हुआ है, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? सच्चे पिता, हमारे पास जो कुछ है वो सब तेरा दिया हुआ है। ये हमारे शरीर का एक एक अंग, ये हमारी बुद्धि, ये हमारी ऊर्जा, हमारे परिवार, हमारी धन संपत्ति, हमारे कामकाज, हमारे व्यवसाय, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। ए पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझसे माफी मांगते हैं उन सारे क्षणों के लिए जब हम तुझसे दूर भागे, तुझे याद नहीं किए, तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाले, तेरे विरुद्ध बोले हैं, स्वार्थी बने हैं, घमंडी बने हैं, उन सारे क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हम पर दया करना, हम अज्ञान हैं, हम नादान हैं, हम दुर्बल हैं, हम पर दया करना पिता। पापों की हर प्रकार की कलंक हमारा मिटा देना, हमें स्वतंत्र करना। ये पिता, हम इस समय अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारे संपूर्ण परिवार को समर्पित करते हैं, हमारी सारी चिंताओं को समर्पित करते हैं, भविष्य के बारे में हमारी आशंकाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मन में बहुत सारे डर हैं, सारे डर को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मन में कई प्रकार की शंकाएं हैं तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी हर प्रकार की खूबियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारी सारी योजनाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे सारे सपनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, समूचे परिवार को, काम धंधे को, सब कुछ को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता, तू हमारा संरक्षण बनना, तू हमारी सुरक्षा का ख्याल करना। तेरे वचन में लिखा हुआ स्तोत्र 121 में उसके 5 में, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हाँ पिता, छाया की तरह हमारे साथ रहना, तेरी छाया हम पर पड़े, आज रात को हर प्रकार की विपत्ति से हमें बचा के रखना, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से बचा के रखना, शैतान और शैतान की हर प्रकार के कार्य हमसे दूर रहें। आज संपूर्ण रात्रि में हमें तेरे संरक्षण का एहसास हो, हमारी आत्माएं शांत हो जाएं, हमारी आत्माओं में शांति का एहसास हो, हमारे मन में शांति का एहसास हो। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हमें विश्राम दीजिए, हमारे थके हुए शरीर को विश्राम देना प्रभु, कल सुबह हमारा ये शरीर फिर एक बार ताजा हो जाए, हम आनंद के साथ कल के दिन को शुरू कर सके। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, तेरा दाहिना हाथ तेरे बच्चों की ओर बढ़ा इस समय, आज का संपूर्ण रात उनके लिए संरक्षण की रात हो, तेरा संरक्षण उन्हें मिले, तेरी उपस्थिति का उन्हें एहसास हो, तेरी छाया उन पर पड़े, कल सुबह का समय उनके लिए आनंद के क्षण हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।